हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की आंसर की आ गई है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ है। 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर विद आंसर की के साथ दिया गया है। आप इसमें से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो इसका ऑप्शन सी ब्लूप्स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 720। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 4, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड्स संबंधित है। इसका ऑप्शन डी स्लैट्स राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, साबुन का संबंध साफ सफाई से उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन बी स्मेल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पैटर्न दिया गया, इसका ऑप्शन सी सही है, GW12H। प्रश्न नंबर 7, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10 मीटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? इसका ऑप्शन बी दक्षिण दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन निष्कर्ष दिया गया है, इसका ऑप्शन बी सही है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लुप्त संख्या बतानी है, यानी कि बी प्लस ए का मान बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए 164, क्वेश्चन नंबर 10 का 164 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 49। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति अलग बतानी थी, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोला स्फेयर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि बुआ। क्वेश्चन नंबर 14, आरेख दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है? तो इसमें 22 व्यक्ति शिक्षित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 15, PQT, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यू, ए ऑप्शन सही है यू। क्वेश्चन नंबर 16 में दिशा संबंधित पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्व। 17 क्वेश्चन, इसमें दिया गया 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन सी 35 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पाई चार्ट दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 399, 399 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न था, इसका ऑप्शन सी 19202114144 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, असमान संख्या ज्ञात कीजिए, इसका ऑप्शन सी 8 27 राइट आंसर हो जाएगा, 8 और 27। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए, तो इसका ऑप्शन ए 21 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 22, यदि आपके पास एक नियमित समफलक है तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, षटभुज हेक्सागोन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इशारा करने वाले इस टाइप के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि माँ। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माँ। आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट खोलकर अपने आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में का राइट आंसर है सी, एक सेब, दो केला, तीन खजूर और चार चेरी। क्वेश्चन नंबर 25, आकृति दी गई है, इसका ऑप्शन ए राइट है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, एक सिलेंडर को उस अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी दीर्घवृत्त इलिप्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि कैट का कोड DBU है तो DOG का कोड क्या होगा? इसका ऑप्शन बी EPH राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, सादृश्य पूरा कीजिए, तो इसका ऑप्शन सी पैर यानी कि फुट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, सादृश्य पूरा कीजिए, इसका ऑप्शन सी पनडुब्बी यानी कि सबमरीन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, 6 सदस्य के परिवार ABCDEF दिए गए, इसका ऑप्शन डी यानी कि माँ यानी कि मदर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, यदि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका ऑप्शन डी 26 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोड के अनुसार इसमें बताना था बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनके दो इसका राइट आंसर है। 33वां, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2160। प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछा गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप इसमें ऑप्शन बी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 16, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26 में वैन आरेख दिया गया है, महिलाओं माता पिताओं और माता पिता के बीच संबंध, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37 में घनों की संख्या बतानी थी, तो इसमें टोटल घन दिए गए 24। क्वेश्चन नंबर 38, विषम को चुनिए, विषम है ए जेड, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, ब्याज संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसका ऑप्शन ए 2522 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में साधारण ब्याज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसका ऑप्शन राइट है 10950। 41वां, बट्टे से यानी कि डिस्काउंट से पूछा गया था, इसका ऑप्शन डी 71.75 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर ए 35000 है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें औसत बताना था, तो ऑप्शन डी 2m² - 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, यदि नौ क्रमागत सम संख्या का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, इसका ऑप्शन डी 16 राइट आंसर है। 45, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? इसका 40, इनके ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 में HCFC 0.05 राइट आंसर हो जाएगा। 47, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन सी 507 राइट आंसर है। 48 का हानि प्रतिशत इसमें बताना था, इसका 25 राइट आंसर है 25%। 49 का ऑप्शन सी सही है, हानि प्रतिशत एक सही 19/81%। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें मासिक आय बतानी थी, इसका ऑप्शन सी 28000 और 14000 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत है 22%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का बी राइट आंसर है 3:1 यानी कि 3:1। 53, रेलगाड़ी से संबंधित था, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 120 मीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें। 54, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग पार करती है, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? 6.7 सेकंड्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या पूछी गई थी, ऑप्शन सी 100 इसका राइट आंसर है। 56 का, तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो ऑप्शन बी 60 दिन इसका राइट आंसर है। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो ये 8 वर्ष में हो जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारत का पहला हवाई अड्डा है बॉम्बे मुंबई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। GST सीमा बतानी थी, इसमें डी 20 लाख है, इनके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 61, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका भूटान, बी भूटान राइट आंसर है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है, तो गूगल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 63वें का डी है इमेज फिशिंग। 64 का राइट आंसर है क्रोशिया गणराज्य की राजधानी है जागरेब, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें। 66वां, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 67वां, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, ऑप्शन ए। 68, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अमित शाह है, ए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन बी। 70, RBI के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 71,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित था? इसका ऑप्शन डी भाग चार। 72वां पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 74 रमन सुब्बाराव जिनका हाल में निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया इसमें। 75 पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी? जुलाई 2000 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 76 आप देख सकते हैं 2006 का राइट आंसर है। 77 का अफ्रीका में आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन है? रस कुक। ऑप्शन ए रस कुक। 78वां वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा यूथ। इनके ऑप्शन ए राइट आंसर है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक क्वालिटी। बी ऑप्शन राइट है। 80वां BRI का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 81 का बी राइट आंसर है स्पीयर फिशिंग। 82 का डी गोदावरी नदी। NHRC का पूर्ण रूप है ऑप्शन सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। 84 का राइट आंसर हो जाएगा डी समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। 85वें का ए पाकिस्तान। 86वें का डी महाराष्ट्र। 87 का हो जाएगा लखनऊ। 88 परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम। 89 का ए नेथानियल होथोर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 का GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन ए। 91 निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? सी सीगफ्रीड लाइन। नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 93 का राइट आंसर है डी स्नैपचैट। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी। FSB क्या करता है? ऑप्शन ए यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। 96 का यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। इसका राइट आंसर है। 97 का बी JDCFE। 98 का ए DIG वो DIRGGVM। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी 45। 100 का राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम। 101 का राइट आंसर हो जाएगा सी 15। 102 का राइट आंसर हो जाएगा 2000। 103 का राइट आंसर हो जाएगा सी सास मदर इन ला। 104 का राइट आंसर हो जाएगा बी 472। 105 का राइट आंसर हो जाएगा सी 5 घंटे। 106 का राइट आंसर हो जाएगा 6160। 107 का राइट आंसर हो जाएगा 171। 108 का ए 1782। इस प्रकार से आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। यह है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की पाई चार्ट से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। इसका ऑप्शन सी यानी कि 5,892 करोड़ इसका राइट आंसर है। 114 एक गद्यांश से संबंधित था। इसका ऑप्शन डी सही है साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन सी शुद्रता को राष्ट्र की अक्षुद्रता न बनने दिया जाए। 116 का डी राइट आंसर है वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा सी जीवन का अप्रिशिम भौतिक विकास। 118 का ए नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। 119 का राइट आंसर हो जाएगा डी वर्षा जनता। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र। 121 का राइट आंसर हो जाएगा डी शांत। 122 का राइट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियाँ हैं। 123 का राइट आंसर हो जाएगा बी इसमें ये विस्मय बोधक चिन्ह बताएं तो ऑप्शन विस्मय बोधक बी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। 124वें का ए यह स्थान बहुत अच्छा है। 125 का अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है सी दुर्लभ उत्पत्ति। 126 का राइट आंसर हो जाएगा मैंने आम खा लिया में प्रयुक्त काल है आसन भूतकाल। 127 का राइट आंसर हो जाएगा अनन्य ऑप्शन डी। 128 का हो जाएगा डी आका आकू आख का। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ए संकट में समय बचाओ के लिए सोचना। 130 का राइट आंसर हो जाएगा सी सुपाठ्य। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ए संभाव्य वर्तमान। 132वें का सी बिना सोच के अशुद्धि।
133 का डी, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। 124वें का राइट आंसर है जुबान पर लगाम न होने का अर्थ है ए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। 135 का ए, अक्सीर। 136 का बी, टै। 137 का बी, ओढ़ना। 138 का सी, संक्षिप्त। 139 का सी, भयानक रस। 140 का राइट आंसर हो जाएगा व्य प्लस व्रत, ए ऑप्शन। 141 का राइट आंसर हो जाएगा नंदकिशोर आचार्य, ऑप्शन डी। 142वें का सी, न दोहराया हुआ। 143वें का हो जाएगा डी, अक्षेत्र। प्रेम सागर के रचनाकार हैं डी, लल्लू लाल। 145वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला। 146वें का हो जाएगा डी, माखनलाल चतुर्वेदी। 147वें का हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। 148वें का बी, आप भला तो जग भला। 149वें का हो जाएगा बी, रूपक। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ये थी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की। दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।